अभी जी मैं लेके आया हूँ अपना ये जो होती है भिगोई हुई रोटियाँ, दो रोटियाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ये ले जाते हैं, जाके ना डक्स को डाल देते हैं, चलो भी खा लो। अस्सलामुअलैकुम, तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जी अभी टाइम है सुबह का खाने का, तो अभी इनको रोटियां डाली हैं, इनको डाले हैं पट्ठे, ये रोटियां खा लें, उसके बाद फिर मैं इनको डालूंगा ग्रोथ वाली फीड, उनको मैं डालूंगा जो इनका दाना होता है। तो अभी मंदा जाता हूँ जाके वो उठा लेता हूँ ताकि ये मेरे पीछे ना इतनी देर ये खाते रहेंगे। तो जी ग्रोथ वाली फीड और दाना मिक्स करके मैंने पानी के अंदर डाल दिया था, तो पहले बल्कि वैसे डाला था, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया, तो अभी डक्स जो है वो अपना बड़े मज़े से ना इसको इंजॉय करके खा पी लेंगे। इनको भी दाना जो है वो डाल दिया है, बाकी तीन शॉपर, एक दो तीन, तीनों के अलग अलग जो चीज़ें, ओ यार तीनों की जो अलग अलग चीज़ें हैं ना वो पड़ी हैं, तो हमने वो सब इनको जो जो डालने वाली थी, जिस जिसको डालने वाली थी वो डाल दी हैं। बस इनके अभी मैंने पोर्ट्स चेक करने हैं, तो वो देख लेते हैं, अगर इनको भी डालने वाली होगा तो हम इनको भी फिर डाल देंगे। तो जब भी मैंने इनके पोर्ट्स निकाले हैं, तो इनके पोर्ट्स के अंदर ना कीड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो मेरे ख्याल से ना नीचे कोई ना कोई चीज़ ऐसी पड़ी होनी जिसको कीड़ियाँ पड़ गई हैं, इस तरफ हैं इस तरफ नहीं है। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे जाके कूपक पाउडर लेके आता हूँ, वो ला के ना फिर ये नीचे जो स्लैब्स हैं इनके ऊपर फेंक दूंगा, उससे ये है कि फिर कीड़ियाँ जो है ना वो तंग नहीं करेंगे इनको, वरना इनको ना वो खाने नहीं देते, फिर ये भूखे रह जाते हैं, क्योंकि जब ये खाने आते हैं तो कीड़ियाँ जो है ना इनके मुंह पे चढ़ती हैं, जिससे ये डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे जाके वो लेके आता हूँ, ला के इनको डालता हूँ। तो जी कूपर्स पाउडर जो है वो मैं ले आया हूँ, तो अभी चलते हैं अंदर और जाके ना डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। तो जो पाउडर जो है वो तीनों में डाल दिया है, एक दो और ये तीन, यानी कि इसकी भी निकाल ली है, उसकी भी निकाल ली और इसके भी निकाल ली। तो अभी इनको उठाते हैं और वापस फिर मैं इनको लगा देता हूँ। ये स्लैब्स जो है वो दोबारा मैंने वापस लगा दी हैं, तो अभी चलते हैं वापस हम नीचे। तो जी भी टाइम हो चुका है जी रात का, तो रात का तो नहीं मतलब शाम का हुआ है, 8 बजे हैं। तो अभी मैं लेके आया हूँ जी माशाल्लाह से अपना वाइट मेल डक। तो मैं लेने यही गया था कि मुझे वाइट कलर का मिल जाए, और वहाँ पे वाइट कलर का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा भाई आप मुझे यही दें, क्योंकि मेरे पास आगे भी जो है वो वाइट ब्लैक है ना, तो ये जरा है कि ये फ्यूल प्योर वाइट में है तो ये प्यारा लगेगा। तो अभी इसको मैं यहाँ पे इसने छोड़ दूंगा, खाना वगैरह जो है वो उनके टाइम पर ही डालेंगे आके। ये एक जो हमने लेके आना था मुर्गा देसी, वो मैं लेने गया था, मैं यानी कि ये और मुर्गा ही लेने गया था मार्केट से। तो एक तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं एक ही दुकान पे गया हूँ, वहाँ पे मुझे पसंद आ गया, मैं लेके आ गया। दूसरा ये था कि मुर्गा जो था ना वो एक भाई ने कहा कि उस शॉप पे चले जाए, वहाँ पता करें, वहाँ पे मैं गया हूँ तो उनके पास था नहीं, उसके अलावा मैं किसी शॉप पे गया ही नहीं। अब ये है कि कल को दोबारा जाऊँगा, फिर हम वहाँ से ना यानी कि जब दोबारा जाएंगे तो सर ये है कि मार्केट घूम फिर के आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास थे सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने वापस घर आना था, काम जाना था। तो मैंने कहा कि यार खैर है कि हम ना तसल्ली से लेंगे, इसका तो ये था कि मुझे चीज़ पसंद आ गई इसलिए मैंने आराम से ले ली। तो जी भी टाइम हो चुका है जी रात का, तो रात का खाना जो है वो ला के दिया है मैंने दाल, जो ये वाला अपना है ना जो भी नया आया है, एक तो ये इनसे डर बहुत रहा है, ऊपर से ना इसके तकरीबन जो है पेट भरा हुआ है, उस वजह से ना ये खा बहुत कम रहा है, यानी कि सिर्फ मुँह लगा रहा है और छोड़ देता है। लेकिन अभी ये है कि नया नया है इसलिए इसको थोड़ा सा अजीब लगना है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि ये सेट हो जाएगा। दूसरा अपना जो ये वाला मसला बना था सुबह कीड़ियों वाला, जब मैंने कोपेक्स पाउडर डाला उसके बाद अभी वो है कि कीड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अभी मैंने दोबारा निकाल के अच्छी तरह साफ करके नई खुराक डाल के इनके बॉक्सेज जो हैं पोर्ट्स जो है वो वापस लगा दिए हैं। कि ना मैं लास्ट टाइम ना लेके आया था ये ड्रॉप्स वगैरह थे, बर्ड्स केयर के नाम से ना एक ड्रॉप मिलते हैं जो होते हैं सिर्फ अपने परिंदों के लिए, तो मैं ना वो ला के सोच रहा हूँ कि रख लें, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा पायदार थे, वो जब भी कोई परिंदा वगैरह बीमार होता है ना तो उनको वो दिया जाता है, एक तो ये होती है, एक मैथ्यूकबाल की गोली होती है वो दी जाती है, और एक वो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अगर इंस्टेंट करना है तो मैथ्यूकबाल देते हैं, अगर थोड़ा बहुत बीमार है आहिस्ता आहिस्ता कि यानी कि जिसना बुखार वगैरह होता है तो उसके अंदर ये होता है कि फिर उसको ना वो हम मैथ्यू वो उसके ड्रॉप्स अगर डायरेक्ट डाल दें तो ज़्यादा जल्दी असर होगा, लेट डालेंगे पानी में डाल के देंगे तो थोड़ा ये है कि एक दो दिन लगेंगे। तो अभी वो लेके ना ला के मैं रखूँगा, अपने इस मेल डॉग को भी देंगे तो इनको भी एक एक बार दे लेंगे, उसके बाद जो हमने मुर्गा लेके आना उसको भी दे देंगे, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई भी इनके साथ बीमारी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, और एक एक बार ना इन सब परिंदों को भी डाल देंगे ताकि जितनी भी इनके अंदर बीमारियों कोई मसला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी जी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।